और हम जो है किसी से बात करें, किसी को दावत दें, इसलाह करें उसकी, तो उसकी सोच समझ के हिसाब से उसकी इसलाह करनी चाहिए। यानी उसको समझ में आने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। गैर मुस्लिम है तो वैसे अल्फाज इस्तेमाल करें, आप उर्दू में इसके साल में इस्तेमाल करेंगे आप उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो या फिर जो है पढ़ा लिखा है तो वैसे अल्फाज इस्तेमाल करें, तो उसकी समझ के हिसाब से उसकी इसलाह करनी चाहिए। हज़रत अली फरमाते हैं कि लोगों को इतना इल्म दो जितना वो समझ सके, उससे ज़्यादा भी मत दो, नहीं तो हमारे पास भी होता है एक दो घंटे उसको लेके बैठ गया तो उसके बाद वो भागता है, जैसे दिखेगा सामने से ये आ रहा है भाग जाओ, कि बोले दो घंटे एक बार में इसने सारा काम तमाम कर दिया, तो इतना कि जितना उसको वो सहन कर सके, 10-15 मिनट 20 मिनट, फिर अगली बार मिले तो इस तरह से किया जा सकता है, तो ये हम उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों को ना कहें कि उसको आदमी को तो मालूम ही नहीं कि तौहीद क्या है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, ये किताब क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है, वो मालूम नहीं, और हम उसको मसाइल की तरफ दौड़ा देंगे, तुम्हारा ये मसला गलत, तुम ये गलत करते हो, तुम्हारा लिबास गलत, तुम्हारा ये गलत, तुम्हारी किताब गलत, तुम्हारी किताब में देखो फला फला ने क्या लिख दिया, वो उसके खुद के आलिम का नाम मालूम नहीं उसको, और हम वो चीज़ें उसके सामने खोल के रख रहे, तो ये चीज़ें सारी जो है हमारे काम की नहीं। इसी तरह जो है ये जहन में अच्छी तरह बिठा ले कि तमाम चीज़ें करने के बाद में भी, हम सब कुछ करने के बाद भी इस बात को हमेशा जहन में रखे, हिदायत देने वाला अल्लाह है, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हिदायत कौन देगा, वो अल्लाह देगा, हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, और सिर्फ क्या होता है जरिया बन सकते हैं, हम जरिया बन सकते हैं, तो हमारी कोशिश की वजह से वो कुछ वो हो सकता है, लेकिन किसी के लिए हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया सूरह कसस 100 नंबर 28 आयत नंबर 50 में अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना का ला तहदी मन हब्बत, के नबी आप चाहे जिसको हिदायत नहीं दे सकते, कि आप नहीं हिदायत दे सकते, हम हिदायत देने वाले, तो जब रसूल से कह दिया तो फिर हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं उनके सामने कि हम किसी को हिदायत दे सकें, तो हिदायत देने वाला अल्लाह है, तो कोशिश करना हमारा काम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक़ से हम देखें, अल्लाह के रसूल सल्लम एक ही जगह मक्का के अंदर रह रहे और 6 साल तक वो हजरत उमर को इतनी बार दावत पहुंची लेकिन उसने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, 6 साल बाद फिर वो आते हैं। इस तरह खालिद बिन वलीद को इतनी बार, सबसे ज़्यादा बार जो है दावत अल्लाह के रसूल ने उनको दी, उसके बाद हुआ है। इसी तरह जो है जो उनके अबू सूफियान, वो 23 साल बाद ईमान ले गए फतेह मक्का के बाद, तो हिदायत देने वाला अल्लाह है, तो इस बात को हम जहन में रखें।